कर दिया। पुर्तगाल के कास्टिलो ब्रांको इलाके के जंगल में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि इसने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से ऊंची ऊंची आग की लपटें और धुआं उठने लगा। आग जंगल के पास के रिहायशी इलाके में भी पहुंच गई, जिसके बाद वहां बने मकानों को आग की चपेट में आने का खतरा मंडराने लगा। इस बीच जंगल की आग एक मकान के बेहद करीब पहुंच गई, जिसके बाद उसमें रहने वाली महिला अपने घर को आग से बचाने के लिए घर की दीवारों को पानी से भिगोने लगी। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू किया। इस बीच आसपास के लोग भी फायर ब्रिगेड की मदद करने के लिए आगे आए और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मिलकर जंगल के चल रहे हिस्सों पर पानी डालकर आग बुझाने लगे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कुछ लोगों ने गांव में घुसे एक लड़के को जमकर पीट दिया। बताया गया कि इलाके में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह के बाद लोग चौकन्ने थे और अचानक गांव में घुसे इस लड़के को लोगों ने बच्चा चोर गिरोह का सदस्य समझकर पकड़ लिया और बिना देर किए उसकी पिटाई शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लड़के को बचाकर थाने ले आई। जांच के बाद पुलिस ने दावा किया कि लड़का नशे की हालत में गांव में घुस गया था। नशे की हालत में था और वो अपना रास्ता भटक गया था। मस्जिद कुछ बच्चों से उस पन्ने को पूछा, जिसमें लोग बाग उसको चोर समझ बैठे। फिलहाल पुलिस ने लड़के की बिना वजह पिटाई करने वाले लोगों की तलाश तेज कर दी है। यूपी के अलीगढ़ में कुछ लोगों ने एक पुलिस वाले पर हमला कर उसकी वर्दी फाड़ दी। मारपीट के एक मामले की जांच करने पहुंचे इस पुलिस वाले पर हमले का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि रात के अंधेरे में आरोपी युवक ने जांच के लिए पहुंचे पुलिस वाले को ही पकड़ लिया और उसके परिवार के लोग भी पुलिस वाले का विरोध करने लगे। इसी बीच वहां मौजूद एक आदमी आरोपी युवक को समझाते हुए पुलिस वालों का कॉलर छोड़ने की अपील करने लगा, लेकिन आरोपी लड़का पुलिस वाले को पकड़ रहा। आरोपी ने लोगों से घिरे पुलिस वाले की पिस्तौल भी निकाल ली और उसे लेकर भाग गया, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस वाला भी उसके पीछे दौड़ा और अंधेरा होने के बाद भी आरोपी को पकड़ लिया। लेकिन उसके परिवार वाले भी पुलिस वाले का विरोध करते हुए उसे छुड़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस वाला बिना डरे आरोपी को पकड़े रहा। आरोपी और पुलिस वाले के बीच काफी देर तक चली खींचतान के बाद आरोपी ने पुलिस वाले की पिस्तौल छोड़ दी और खुद अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया। पुलिस वाले पर हमले की घटना के बाद पुलिस वालों ने 7 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से इलाके के लोग खफा हो गए और सड़क के बीचों बीच सामान डालकर जैम लगा दिया। हालांकि जैम लगा रहे लोगों को भी पुलिस वाले समझाने की कोशिश करने लगे। तुम चुप रहो, काम करो अपना, तुमको मत बोलो, अपना कर लेंगे, आगे पीछे बंद करो, बंद हो। काफी देर तक चली कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वालों ने लोगों को समझा कर जैम खुलवाया। भीषण बाढ़ का सामना कर रहे असम के कई जंगलों में भी पानी भरने से जानवरों पर खतरा बढ़ गया। ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से पाबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भी कई हिस्से पानी में डूब गए, जिसके बाद सेंचुरी में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। सेंचुरी में बाढ़ का पानी जमीन से कई फुट ऊपर तक भर गया, जिसमें कई जानवर डूबे हुए दिखाई दिए। सेंचुरी में हर तरफ पानी भरा होने की वजह से जानवर सूखी जमीन की तलाश में भटकते नजर आए। इतना ही नहीं, सेंचुरी में बने वन विभाग के दफ्तर तक भी बाढ़ का पानी पहुँच गया, जिसके बाद लोगों को वहाँ आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। वहाँ पे एक भी वन्य जीव जंतु का क्षतिग्रस्त मतलब देहांत होने का कोई भी खबर नहीं है। हालांकि वन विभाग ने बाढ़ में फंसे सभी जानवरों के सुरक्षित होने का दावा किया। अगर आप देर रात तक जागते हैं तो आपको डायबिटीज और दिल की बीमारी का खतरा बना रहता है। स्वास्थ्य से जुड़ी एक रिसर्च में इस बात का पता चला है। news18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक सही समय पर रात में नहीं सोने की वजह से खाने पीने का रूटीन खराब होता है, जिससे उम्र से पहले डायबिटीज और दिल की बीमारी का खतरा काफी बढ़ जाता है। देर रात तक जागने से लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। रिसर्च में बताया गया कि देर रात तक जागने वाले ज्यादातर लोग सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला खाना खाते हैं। इनमें शराब, मीठी चीजें, चाय और कॉफी पीने की आदत होती है, जिससे मोटापा भी बढ़ता है। देर से सोने और सुबह लेट तक उठने वाले लोगों के दिमाग और हार्मोन पर भी बुरा असर पड़ता है। यूपी के